हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट, एंड लेट मी शो यू द प्रोडक्ट। आप ये देखो, NYBA की नेल पॉलिशेज हैं एंड ये बिल्कुल जस्ट लॉन्च हुई है। आई गेस ये बिल्कुल एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई है, एंड जिस दिन ये लॉन्च हुई थी मैंने उसी दिन इनका ऑर्डर प्लेस कर दिया था। एंड अब देख सकते हो मेरे पास 5 ऐसे नेल पॉलिशेज हैं। एंड अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि NYBA इज अ ब्रांड जो आपको सिर्फ एक्सक्लूसिवली purple.com पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। NYBA के काजल्स आए हुए हैं, NYBA के लिक्विड लिपस्टिक्स आई है, NYBA के लिप क्रेयॉन्स आए हैं, एंड अभी NYBA के लिप लाइनर भी आ चुके हैं। मैं उसका ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ, मैंने 2 लिप लाइनर्स मंगवाए हैं एंड ये जस्ट आई गेस कल या परसों उनके लॉन्च हुए हैं। एंड अब इनकी नेल पॉलिश एक हफ्ते पहले आई थी तो मैंने 5 खरीदी हैं, तो आज मैं आपको ये लगा के भी दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी भी कैसी हैं, क्योंकि मैं इनको थोड़ा 1-2 दिन से यूज़ कर रही हूँ। एंड NYBA बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है और बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं। मैं इनकी लिक्विड लिपस्टिक भी यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। पॉलिशेस के बारे में बताती हूँ, इन्होंने नेल पॉलिशेस निकाली है 2 तरह की। एक निकाली है इन्होंने क्रेम नेल पॉलिशेस और एक निकाली है इन्होंने मैट। आप ये देख सकते हो 2 तरह की नेल पॉलिशेज हैं। ये मैंने 2 शेड मंगवाए हैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, दोनों बेबी पिंक कलर में है। ये है क्रेम नेल पॉलिश, आप देख सकते हो इसमें शीन है, इसमें शाइन है, एंड दीज आर जस्ट द मैट नेल पॉलिशेस। एंड आप देख सकते हो इसकी बॉटल थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप होती है और इनकी थोड़ी सी फ्रॉस्टेड सी बॉटल होती है मैट वालों की। इनके 2 कैटेगरीज हैं नेल पॉलिशेस की, एंड जो क्रेम वाली नेल पॉलिश है उसमें भी आपको 10 शेड्स मिल जाएंगे। आपको आपके पसंद के रेड, ग्रीन, ब्राउन्स एंड आपको पेस्टल शेड्स भी मिल जाएंगे। और ये जो मैट नेल पॉलिशेस उसमें भी आपको 10 शेड्स मिल जाएंगे, आपको अपने पसंद के शेड मिल जाएंगे। मैंने 2 नेल पॉलिशेस मंगवाई हैं क्रेम, राइट। एज यू कैन सी ये बेबी पिंक कलर, ये ब्राउन शेड है, एंड 3 मैंने मंगवाई हैं मैट नेल पॉलिशेस। ये है बेबी पिंक, ये है डार्क चॉकलेट ब्राउन एंड दिस इज द डार्क पर्पल शेड। मेरे पास ये 3 शेड नहीं थे, पिंक नहीं था मेरे पास बेबी पिंक, मेरे पास चॉकलेट ब्राउन शेड नहीं था, अब मेरे पास ये पर्पल शेड नहीं था। आप देख सकते हो कितनी सही शेड है इनके। अब मैं आपको इनके शेड नंबर बताती हूँ, नेम्स बताती हूँ और एंड में आपको मैं इसके स्वैशेस करके दिखाऊँ। पॉलिशेज है, आपको इसमें लेड वगैरह नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आपके नेल्स नहीं खराब होंगे, नेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आप इनको ज़रूर जाके खरीदो। मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत जल्द और ये आपके नेल से बिल्कुल ऐसे ही नहीं उतर जाती। वो जो गंदी लोकल वाली लिपस्टिक्स नेल पॉलिशेज नहीं होती लोकल मार्केट से जो हम लेते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हल्का से भी इनको करो वो उतरना शुरू कर देती हैं, अपने आप ही वो चिप होके निकल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही नहीं है, बहुत अच्छी हैं। अब मैं इनको लगा के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके शेड्स बता दूँ। ये शेड नंबर है, ये क्रीम मैं बता रही हूँ, क्रीम 2 नेल पॉलिशेज है मेरे पास, मैं उनमें आपको पहले बताऊँगी। इसका नंबर है इसका 9 और इसका नाम है फलाफेल, पता नहीं क्या नाम है, 9 एंड फलाफेल, राइट। अब ये जो दूसरा नंबर है वो है नंबर 1 और इसका नाम है हॉट डॉग, क्या नाम है यार, हॉट डॉग 9 एंड 1, बस आप यही याद रखो। मैं तो भैया यही याद रखती हूँ और मैं कुछ नहीं याद रखती। अब मेरे पास 3 मैट है तो मैं मैट में सबसे पहले आपको ये शेड बताती हूँ, पिंक वाला शेड, वो है नंबर 3 कपकेक, एंड ये बहुत अच्छा शेड है, आपके हैंड्स पे बहुत अच्छा लगता है। नंबर 3 कपकेक, इसका नाम बहुत सुंदर है कपकेक। फिर है नंबर 4, वो है चॉकलेट चिप कुकी, आप देख ही सकते हो ये चॉकलेट ब्राउन्स, ये आई जस्ट लव द शेड यार, बहुत सही वाला शेड है। नंबर 4 चॉकलेट चिप कुकी। फिर है नंबर 6, वो है नगेट्स, या सही नगेट्स, एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर सा पर्पल सा शेड है इनका। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताती हूँ और इसकी क्वांटिटी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे था पहले मैं आपको आपके शेड्स दिखा दूँ। अब मैं अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो प्राइसिंग भी आपकी डिफरेंट इन्होंने रखी हुई है। जस्ट अगर आप इसकी क्वांटिटी देखो तो क्वांटिटी बिल्कुल सेम है इनकी, 6 ml इनकी क्वांटिटी है। अगर मैं आपको इसकी वो बताऊँ मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो आप देख सकते हो April 2018, मतलब ये बिल्कुल अप्रैल में ही बना है, अभी बनी है, हफ्ते पहले ये लॉन्च हुई है, एंड इसकी एक्सपायरी आपको 3 साल की मिल जाएगी, 36 months इन्होंने लिखा हुआ है। एंड और बाकी इन्होंने लिखा अपने एड्रेस वगैरह दिया हो, और तो कुछ नहीं दिया हो इन्होंने। 6 ml की क्वांटिटी एंड आपको 3 साल ये चल जाएगी, 10 शेड्स आपको मिल जाएंगे दोनों रेंज में। एंड अगर मैं बात करूँ क्रेम वाले की,
अगर मैं इसकी बात करूँ, ये थोड़ी सी सस्ती है, ये आपको 60 रुपीज़ की में ये नेल पॉलिशेज हैं, लेकिन आपको डिस्काउंट में 49 रुपीज़ की मिल जाती है। एंड अगर मैं मैट नेल पॉलिशेज की बात करूँ तो 80 रुपीज़ की, या उससे 20 रुपये महंगी है, 20 रुपीज़ कॉस्टली है, लेकिन इसको भी आपको डिस्काउंट में आपको 65 रुपीज़ में मुझे मिल गई थी। मुझे ये 65 रुपीज़ में मिल गई थी एंड ये मुझे 49 रुपीज़ में डिस्काउंट पे मिल गई थी। वैसे इनका ओरिजिनल प्राइस है 60 एंड 80, राइट। अब मैं आपको अपने हैंड स्वेचेस करके दिखाती हूँ। छुटे आना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना डोले।